हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वते नमः श्री गुरु नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक श्री राम कथा को लेकर के मैं पंडित राम कुमार सेवक समस्त जितने भी भक्त जन समुदाय हैं उनके बीच में आया हूं। ऑनलाइन फेसबुक रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर आप सबको भव्य स्वागत है 2023 के पहली कार्यक्रम में। आशा है आप सबकी छुट्टियां अच्छी गई होगी और जिनकी छुट्टी भी चल रही है खूब आनंद लें। मैं सर्वप्रथम अपने पूजनीय माता श्री के चरणों को बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूं। स्वर्ग पिता श्री को भी मैं प्रणाम करता हूं। गुरुदेव भगवान उनके भी चरणों को मेरा साष्टांग वंदना है, प्रणाम है। भागवत कृपा सेवा पर बैठे हमारे मुक्तामणि शास्त्री जी, आप को भी समस्त जितने भी आश्रम सदस्य हैं उनको साथ में लेकर के मैं प्रणाम करता हूं। और चले हम हमारे रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्री शुभम सिद्धांत लाल बेटे, आपको अपने सानिध्य में लेता हूं। शिवर बेटा आपको भी ले लेता हूं साथ में, आपकी माता श्री भी साथ में है, आपको भी साथ में ले लेते हैं। 2023 के कार्यक्रम है इसलिए थोड़ा भूरी भूरी सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। आइए हम शैल शर्मा जी आपको भी स्वागत करते हैं हमारे रेडियो रिश्ते के जो पीछे के कार्यकारी करता है, जो बहुत सारे डिसीजंस बनाते हैं रेडियो रिश्ते के लिए, सर हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, आपको भी मैं स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं तो माधवी पिल्ले जी, मुझे कल ही इस बात का ज्ञात हुआ कि हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी फिलहाल स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं अस्पताल में। तो भगवान से विनती यही रहेगी कि हे परमात्मा, जो भी उनकी दुख आदि हो उनको निवारण कर दें, उनको दूर कर दें, उनको हटा दें, यही मंगल कामना है। क्योंकि उनके बिना हमारा रेडियो रिश्ते जो है वो थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। प्रकाशपति सिंह जी हैं हमारे एडमिन में, उनको सानिध्य में लेते हुए जयंती पड़ियाची जी आपको भी हमारे गोल्ड माइन ताबुआ से जो प्रसारण आप करती हैं आपको भी भव्य स्वागत करते हैं हम। राजस्थान से निम्रा पठान जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यूएसए से हमारे बीच में कार्यक्रम को लाती हैं शुभानु जी, आपको भी हम लोग साथ लेते हैं। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स जितने हैं जो भी जुड़ते हैं आप सबको पुनः ही एक बार मैं भव्य स्वागत करता हूं। मैं मिथिलेश भैया जी को निवेदन करूंगा, भैया जी हमारे इस कार्यक्रम को आप जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से बांटते रहते हैं आपको भी स्वागत है। साथ में सतीश भैया जी, हमारे कनेक्टिंग फिजियन, साथ साथ में भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज पर आपका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में आज, मैं तो सोच रहा हूं मैं अकेला बैठाऊंगा दीवान भैया जी के साथ में, लेकिन आज पहली
प्रोग्राम है 2023 का, इसलिए 23 का, इसलिए आप सब आए हैं और आप सबका भव्य स्वागत। सर्वप्रथम तो हम एडमंटन कनाडा चलते हैं, वहां हमारे भैया उत्तम जी और भाभी श्री बस स्नो दिखा रहे हैं उनको रोज। बहुत प्यारा समूह, बहुत सारा जो इनकी हॉलिडे का व्हाइट क्रिसमस जिसको बोलते हैं हम लोग, वो मना रहे हैं बड़े धूमधाम से। आप दोनों को हम न्यूजीलैंड से स्वागत कर रहे हैं, अगली बार आपके साथ में चलते हैं हम लोग। आइए मास्टर रमेश जी हमारे बीच में पधारपण किए हुए हैं, साथ में भाभी श्री शीला जी, आपको भी भव्य स्वागत है। और हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री भैया द्रोण चंद जी, आपको भाभी सहित उर्मिला जी बहुत भव्य स्वागत। शशिराम जी आपको भी हम स्वागत करते हैं, विष्णु ग्रुप के हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला है, बहुत काम करती है और जो हमारी विष्णु टूर्स के बहुत ही एक्टिव और यानी हम बोलेंगे एडमिन है हमारी, हमारे विशोन आपको भी स्वागत है। साथ में प्रियता बेटी आप आए, आपका भी भव्य स्वागत। हमारी कैमरा उमन भी है और हमारी मंजिला उमन भी आज आप ही हैं। भैया प्रीतम जी फीजी से हम लोग सब वापस आ गए हैं, प्रीतम भैया भी बहुत दिनों तक गायब थे, आपका भी स्वागत है भैया। और साथ में रवीन भैया आपको कैसे भूले, आप भी आए और आपका भी प्यार आशीर्वाद सदैव स्टूडियो में रहता है। मैं इस बीच में हमारे कई लोग जिनका मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं अस्पतालों में, माधवी जी के साथ साथ उनका भी हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनके हर दुख को दूर करें परमात्मा, हमको स्वास्थ्य लाभ दें, उनको हमारे बीच में जल्दी से जल्दी ही पुनः एक बार वापस करें। हम यही आपसे मंगल कामनाएं करते हैं। आज तबले पर सात नमन स्वामी तो दिखाई नहीं दे रहे, अनमोल बेटा तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक और जो हमारे बीच में बहुत बार हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, हमारे एक्स लंबा साहब, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार, भजन और तबला वादक भी, साथ साथ में ढोलक वादक भी, हमारे पंडित दीवान चंद महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भैया। चले हम सब अपने अपने हाथों को जोड़ करके परमात्मा के श्री चरणों को नमन वंदना करेंगे। और हमें खास प्रोग्राम आज ग्रह स्वामिनी विष्णु ट्यूर्स के मालकिन और मैनेजिंग डायरेक्टर शम्मी लता, जिनके आज जन्म दिवस भी है, तो बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद मंच के माध्यम से, और आप सब अपना प्यार आशीर्वाद इनको दें, यही मनोकामनाएं करेंगे। परमात्मा से भी हम प्रार्थना करेंगे, परमात्मा जी को सभी ओर से सुखी रखें, यही मंगल कामनाएं करते हुए चल गणपति भगवान को चरणों में सभी को मिल करके प्रार्थना करेंगे भाव से। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन गणपति जगबंधु, सरस्वती सबकी वाणी में मिठास दे, सबकी वाणी को इतना मनोहर बनाए कि हम अगर कुछ बोले तो सामने वाला को आनंदित
कि हलकोरे जो है उनके कानों के माध्यम से उनके हृदय तक पहुंचे हैं माँ। ये सरस्वती ऐसा कृपा करना हो सब पर। या कुंदे इंदु तुषार हार दबला या शुभ्र वस्त्र या वीणा वदन मंडित या श्वेत पदमा आसना या ब्रह्मा चित्त संतरा प्रवृत्ति विरदे मर सदा वंदिता सामाम पातु सरस्वती भगवती शेष जाप्याता। अपने अपने गुरुदेव भगवान को सब प्रणाम कर लेंगे हम लोग, उनका परम मंगलमय आशीर्वाद सबके जीवन में आए। बिना गुरु कृपा हम अपने जीवन को अधूरा मानते हैं, इसलिए उन परम गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके चरण वंदना करेंगे। हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है, अयोध्या कांड के प्रथम जो भाव उन्होंने प्रकट करी है, श्री गुरुदेव के चरणों में उन्होंने वंदना करी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुबर विमल यशो जो दायक पंचा। ऐसे गुरु जी के वंदना के बाद में हनुमान जी की बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश हनुमान जी महाराज शरीर की रक्षा करना, बल देना, बुद्धि देना परमात्मन, क्योंकि आप बुद्धि के दाता हो, आप बल के दाता हो, आप में हर देवताओं के आशीर्वाद है, इसलिए आप समर्थवान हो। हे प्रातः स्मरणीय पूजनीय आदरणीय हनुमान जी महाराज, आपको साष्टांग प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। हे महावीर, हे गोसाई जी, आपको बार बार विनती करते हैं, श्री राम भक्ति का आशीर्वाद हम सबको प्रदान करना। मनोजवम मारुति कुल वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानर योग्यमोक्षम श्री राम दूतम शरणम अब उनके स्वामी श्री राम जी की चरणों की वंदना करें हम सब। लोका विराम रण रंग धीरम लोका विराम रण रंग राजीव रघुवंश नाम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मैया जगत जननी जानकी जी के चरणों को वंदना करें हम सब, जिनकी कृपा से हम सब निर्मल मति को प्राप्त करें। हे माँ, हे माँ सीता, हे माँ लक्ष्मी, हे राधे मैया, हे जितने भी मातृ शक्तियां हैं, सब देवियों से विनती है,
सबको निर्मल मन देकर के हम सबको कृत कर दें। हे भगवती, आपको बार बार नमस्कार है। जनक सुता जगा जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा जुग पद कमल मनाऊ, तसु कृपा निर्मल भति पाऊ, तसु कृपा निर्मल भति पाऊ। पार्वती जी को प्रणाम है। सर्व मंगल मांगल शिव सर्वार्थ साधी के, शरण्याक्रयम् वक गौरी नारायणी नमो। शंकर महादेव को प्रणाम कर ले। बाबा जी आज की कथा में आएंगे और इतवार से सात दिवस का शिव कथा को लेकर के मेरे चैनल के माध्यम से आपके बीच में मैं कराका न्यूजीलैंड से हर शाम 7:45 से लेकर के 8:30 बजे तक आऊंगा। आप हमारे साथ दें। बाबा जी का बार बार चरणों में विनती, रुद्राष्टकम के कुछ पंक्तियां हम सब दोहराएंगे। नमामि शमीशा निर्व्याम रूपम, नमामि शमीशा निर्व्याम रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाय वसंवदे। नमामि शमीशान निर्व्याम रूपम्, विभुं व्यापकम् ब्रह्म वेद स्वरूपम्। हरि ओम श्री नीलांबुज श्यामल कोमलांगम्, सीता समारोपितवाम भावम्, पानो महासायक चारु चापम्, नमामि रामम् रघुवंशनाथम्, कारुण्यरूपम् करुणाकरंतम् श्रीरामचंद्रम् शरणम् प्रपद्ये। बोलो भद्रपुरुष रामचंद्र भगवान की जय। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे साथ दें। मैं शुरुआती कथा जो है अपनी स्टूडियो से कर रहा हूं और जो अगले सप्ताह की कथा है हमारी स्टूडियो से नहीं बल्कि जैसे मैंने कहा शिव कथा हमारी इतवार से शुरू हो रही है। 7 तारीख से तो मंगलवार के समय हम कथा शिव जी के ही लाएंगे, लेकिन श्री भगवान रामचंद्र जी, क्योंकि राम जी बहुत प्रिय हैं शिव जी के, तो राम जी और शिव जी की कथा को साथ में आपके बीच में प्रयास होगी हमारी, आपके बीच में वो आए।
और हम आपसे निवेदन करें कि आप हम सब साथ होकर के हम चलेंगे वहां पर जहां पर हमने इस कथा को पिछले साल छोड़ा था। पिछले साल आखिरी कथा है जब हमारी यहां हम सुने तो हमने सुना रावण का वध हुआ, उनकी अंत्येष्टि क्रिया भी हुई और राज्य लंका का विभीषण को दिया गया, उनका राज्य अभिषेक किया गया और रानी मंदोदरी आदि सब आई भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों को वंदना करके उनका स्तुति करके चले गए। देवताओं ने आकाश मार्ग से सुमन की बारिश करी, पुष्प की बारिश हुई और सभी जितने भी देवी देवता हैं अति प्रसन्न भाव से आकर के अपना अपना प्यार आशीर्वाद दे करके और पुनः अपने अपने धाम को चले जाते हैं। मास्टर पवन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम पिछले साल मिले थे, एक साल हो गया, आपका भव्य स्वागत है। टीचर जी आपको भी स्वागत है पहला कार्यक्रम में। चले अब हुआ यू, आपको पता है कि महाराज दशरथ का तो बहुत काल पहले निधन हो चुका है और भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास बिता चुके हैं, वापस अयोध्या जाने की तैयारी में हैं। और तभी देखिए महाराज दशरथ कोई साधारण मानव थे नहीं, दिव्य देवता थे। उनके कर्म ऐसे थे, एक छत्र सम्राट थे, वो चाहते तो वो भगवान के परम धाम को पहुंच जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो स्वर्ग से आए और स्वर्ग में क्यों थे इस पर थोड़ा सा विचरण विचार करेंगे मास्टर जी, कि उन्हें प्रभु राम का राज्य अभिषेक देखना है और अगर हम वहां चले जाते हैं परम धाम को, वैकुंठ धाम को चले जाते हैं, भगवान के चरणों में मिल जाते हैं, वहां से फिर कोई किसी का आगमन संसार में नहीं होता है, आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। ऐसे भगवान के पिता श्री महाराज दशरथ स्वर्ग से रणभूमि में पधारपण किए हैं, जिसका वर्णन पुंज चरण गोसाई तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के बड़े भाव से गाएं और सुने और इनका गुणानुवाद करें, इनका हम चिंतन करें, अपने हृदय में उतारने के प्रयास करें कि रणभूमि तो है लेकिन कितना दिव्य, कितना ही सुंदर, कितना ही अद्भुत वातावरण है उस समय का। भाव से हमारे साथ में सब गाएंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, वाह दशरथ तो तुम्हारे
ध्वज सहित प्रणाम प्रभु कीना। आशीर्वाद पिता तब दीना। सियाराम सियाराम जय जय हमारे प्रोग्राम को निरंतर देखते हैं उनको शायद लग गया होगा कि हमारा हारमोनियम जो ना ये नया भारतवर्ष की यात्रा में धन्यवाद है हमारे दिलजीत भैया जी करतार म्यूजिक हाउस चांदनी चौक नई सड़क दिल्ली से उन्होंने चुन करके बड़ा सुंदर हारमोनियम मुझे दिया। और जो भैया दीवान जी बजा रहे हैं वो भी हमारे नए तबला। तो 2023 अच्छी अच्छी चीजें है, नया कपड़ा पहनना चाहिए ना। तो सब कुछ नया होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं ना। सची जी आप भी मानते हैं ना, पुराने फटे कपड़े पहनेंगे, चेहरा वही पुराना रखेंगे, आनंद नहीं आएगा, इसलिए टाइम टू चेंज। हाँ बिल्कुल भैया, सब कुछ चेंज करना पड़ा। हाँ एक चीज नहीं चेंज करना है, प्रसन्न महाराज जी को प्रणाम किया। श्री भगवान राम और मां अनुज लक्ष्मण ने और पिता दशरथ जी ने आंखों से जल धारा बहाया, उन्हें आशीर्वाद दिया। तब श्री राम जी भगवान जी क्या बोलते हैं, उनके चरण को सही तुलसीदास जी इसका बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तात सकल तब पुण्य प्रभाव जीते हूं अजय सचल पिता। आपके पुण्य के प्रभाव से हमने ऐसे निशाचर का वध किया, आपका पुण्य का प्रभाव नहीं होता तो हम ये काम नहीं कर पाते हैं। कितने हैं हमारे प्रभु राम की दिव्यता देखिए, उनकी माधुर्य देखिए, उनका छोटापन हो जाना। तथा भी ब्रह्म है लेकिन अपने बड़ों का सदैव आदर करता है। सुनी सूत वचना प्रीति अति बाणी, सुनी सूत वचना प्रीति अति बाणी, नयन नीर रोमावली रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चित पिता ही देहु दृढ़ता, चित पिता ही देहु दृढ़ता। तांते उमा मोक्ष नहीं पाया भाई, ये रामचंद्र मानस ना हमारे आपके जीवन में ऐसी क्रांति पैदा करता है
वैदिक शब्द पर आप अगर ध्यान दें, कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ भूत भावन भगवान शंकर मैया पार्वती से क्या बोल रहे हैं, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। इसी कारण हे देवी संशोधन मिल गया नमस्ते जी, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, दशरथ भेद भक्ति दशरथ भेद भक्ति मनवा। ये धुन बाद में हम लोग सुनाएंगे अलग तरीके से, अभी ये धुन रामायण की चौपाई में लगा रहे हैं ना, क्योंकि जब जब भी हमारे कोई समारोह आता है, किसी का जन्मदिन होता है, कोई ऐसे शुभ कार्य होते हैं, तो हम जो हमारे तबला वादक है ना, बहुत अच्छा गजल को बहुत अच्छे अच्छे गजल गाते हैं, और ये तो ऐसा भी गाते हैं ना, बहुत पुराने नगमे गाते हैं, और ऐसे गीतकार ऐसे संगीतकार थोड़ा देर हमारे साथ में तबला बजा रहे हैं, तो मैं इनका तबला बजाऊंगा और ये फिर अच्छी अच्छी गीत गजलें सुनाएंगे। आज मास्टर रमेश राम जी अंत में हमारे एक कीर्तन सुनाएंगे जो पिछले साल अधूरी रहेंगे, और पिछले साल का कर्ज हम इस साल चुका दें, ठीक है आइए। इसलिए मोक्ष नहीं मिला, तत्व ज्ञान जो प्राप्त कर ली थी भगवान से, भगवान ने देखा कि मेरे पिता है और अपने पिता को हम तत्व ज्ञान दे, लेकिन जीव है महाराज दशरथ आनंदित हो गए, आंखों में आंसू भर गए, सगुण उपासक मोक्ष नहीं दे। जो सगुण उपासक होते हैं वो कभी नहीं चाहते हमें परमात्मा के निराकार रूप में हम जाकर के बस जाएंगे। सगुण का मतलब है जो साक्षात्कार, जैसे भगवान राम धनुष बाण लिया हुआ है इनकी पूजा करें तो सगुण पूजा बातेंगे, सगुण मूर्ति की पूजा होती है, सगुण रूप का पूजन होता है, और निर्गुण रूप का पूजा जो है सो दिखाई ना दे है, जो परमात्मा है यत्र तत्र सर्वत्र है वो परमात्मा है, लेकिन ये सगुण उपासक मोक्ष लाले राम भक्ति ओ तिन राम भक्ति। जो नहीं चाहते हैं उनको मोक्ष मिले, उनको प्रभु राम क्या करते हैं भक्ति प्रदान कर देते हैं, और जब भक्ति जिनके अंदर में आ जाती है तो फिर वो बार बार जन्मना चाहते हैं, मानो जन्म पा करके वो बार बार जन्मते हैं काग वसुंडी के रूप में आकर के भगवान का गुणानुवाद करने के लिए, सत्संग करने के लिए वो आना चाहते हैं। इसलिए बार बार करी प्रभु नहीं प्रणाम, बार बार करी प्रभु नहीं प्रणाम, दशरथ हर्ष गए नीर धामा,
श्री अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशल छवि मनहर्ष बार बोलिए साहब सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये मैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके जा रहा था, क्यों? इसके बाद में शिवजी महाराज आने वाले हैं, लेकिन मैं शिवजी महाराज को अभी लाना नहीं चाहता हूँ, अगले सप्ताह लाना चाहता हूँ इसी कथा में, क्योंकि शिव कथा चलेगी और हम अपना नियम भी नहीं तोड़ेंगे ना, क्योंकि राम रामायण कथा हमारी साप्ताहिक है। तो जिस महाशय के घर पर, जिस दंपति घर पर ये कथा होगी, उनको ये भी ना लगेगा कि हम अपने साप्ताहिक रामायण कथा भी कर रहे हैं, उनका शिव कथा भी चलेगा। तो ऐसी सुंदरता भगवान ही प्रदान कर सकता है। तो मैं जब देख रहा था कथा को आज दिन में, तो मैंने सोचा कि भाई बड़ी सुंदर बात है, कथा को यहाँ पर रोके। लेकिन इससे पहले स्तुति तो होती है, स्तुति करते हैं कौन, क्योंकि राजा दशरथ आए और उन्होंने अपने पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी, साथ साथ सीता जी और उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी को पुनः आशीर्वाद दे करके अपने स्वर्ग धाम को चले जाते हैं। और तब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आते हैं कौन, स्तुति करने के लिए स्वयं इंद्र भगवान आते हैं। इंद्रदेव आते हैं, क्यों आते हैं? आप कभी देखे ना, कभी आप वेदों का चर्चा आप सुने, हमारे शिवम जी देख रहे हैं कितने वेद रखे हैं सब ना, सब वेद। जब जब मौका लगा, मैं वापस इंडिया से आया, भारत से आया हूँ, उसके बाद में फिजी निकल गए, फिजी के बाद में आए तो दो चार दिन हमारे बीच में खाली पड़ गए, और मैंने सोचा वाह क्या अच्छा समय है, जहाँ की मैं कभी कभी एक घंटा भी नहीं निकाल पाता हूँ, मुझे बहुत सारे घंटे मिले जो मैं सुन रखा था, पढ़ रखा था कहीं ना कहीं, लेकिन उनको रिफ्रेश करने के लिए मैंने फिर यजुर्वेद उठाए पाए। यजुर्वेद को बार बार मैंने, हमारे जो मंत्र आते हैं कितने सुंदर, ओम धीरो शांति अंतरिक्ष गुण, ये सब जो मंत्र है ना हमारे, सब यजुर्वेद के मंत्र हैं। पूजा की विधि जितने आते हैं सब यजुर्वेद में, और जो हमारे ऋग्वेद है, जो सर्वप्रथम और दुनिया का सबसे ही पुराना हमारा वेद है, जब से पुराना ग्रंथ है, उनमें आप पाओगे कि जितने हमारे धरती आकाश गगन अंतरिक्ष में जितने वायु आदि, वरुण आदि, इंद्र आदि देवता है, अग्नि आदि देवता है, उनका स्तुति करी गई है। तो इन जो 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 हमारे ऋग्वेद है, इन वेदों में अलग भावना आती है, यजुर्वेद में भगवान का, यहाँ पर मैंने एक ऋषि के कारण से यजुर्वेद को उठाया था, क्योंकि मैं शिवपुराण पढ़ रहा था, तब उसमें जब भगवान श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों उस लिंग का मापतौल देखने के लिए एक ऊपर गए और नीचे गए, आथा मिला नहीं उनको, और तभी भगवान सदाशिव शंकर जी रुद्र रूप में प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो इतना अद्भुत पंच मुख वाला, और इनको देख करके दोनों नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। तब भगवान ने कहा, ये मेरा जो है रुद्र रूप में, मैं ज्योतिर्लिंग रूप में जगह जगह पर आपको दिखाई मानूंगा, और ये बात शिव पुराण में आया कि इसका आपका समर्थन यजुर्वेद में मिलेगा। तो मैं यजुर्वेद को उल्टना शुरू कर दिया, जिसमें शिवलिंग जो है वो साक्षात प्रभु ईश्वर है, ईश प्रभु श्री सदाशिव शंकर भोलेनाथ जी है। ऐसे बड़े ही प्रिय कथा आपके बीच अगले बार आने वाली, लेकिन देवराज इंद्र आए हैं,
और सुंदर आकाश पानी के माध्यम से अपने वाहन पर अपने सभी जितने भी स्वर्ग के सदस्य लोग हैं, अग्नि आदि सबको साथ में ले आए हैं। और चले हम दो ही छंद के माध्यम से देवराजेंद्र की जो स्तुति है भगवान के प्रति, उनको श्रवण करेंगे और तब मास्टर रमेश जी हमारे बीच में आएंगे और उनके माध्यम से हम लोग एक भजन सुनेंगे जरूर। और फिर आज का प्रोग्राम जो है फिर हम यहीं पर विश्राम करेंगे। पहली सप्ताह का 2023 सबको मंगल में हो, सबको सुख प्रदान करें, सबके घर में कहीं ना कहीं जो छूट रह गई हो पिछली बार कोविड आदि से हम पीड़ित जो थे, बीमार थे, वो पुनः हमारे ग्रस्त ना करें। हमें हमें सुख समृद्धि शांति वैभव और शक्ति प्रेम और भक्ति आदि दे, यही मनोकामनाएं होगी हमारी। आइए भाव से सब हम लोग छंद के माध्यम से देवराज इंद्र ने भगवान की का स्तुति करी है, सब सुनेंगे साथ में। जय राम शोभा धाम, दीप चंदी दे दे हमें भैया, दीप चंदी दे। पिछले साल हमारे प्रीतम भैया की फोटो छपी, जब हम बैठे हुए संगीत कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, तो हम कहीं निकल गए, सोनम बेटी कहीं निकल गई, हारमोनियम पर बैठ गए हमारे प्रीतम जी, और ऐसा आधुनिक पिक्चर तरा गया कोई नहीं सोचता कैसा पिक्चर, लेकिन ऐसे लग रहा है कि एक महान कलाकार हमारे देश में। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस भाव से प्रीतम भी आते हैं, जिस श्रद्धा से आते हैं, फूट फूट करके संगीत अंदर में आ जाएगी आपकी। मैं आपसे वादा करता हूं बात का, हमारे रामायण में लिखा है बात, सत सुधर सत संग पाई। हमने बोलते आप सत हो, हमने बोलते आप पूरक हो, लेकिन एक असाधु भी साधुओं के बीच में रह करके साधु बन जाता है। तो संगीत के जो बौछार चल रही है ना, इसमें बैठ करके जो आनंदित लेता है, आनंदित होता है,
उसके अंदर में मैया सरस्वती की कृपा बरसने लगती है। वो भूले हुए कहीं ना कहीं गंधर्व योनि में थे हम लोग, तो वो वापस आ जाता हमारे बीच में। जब हम अनाथ होते हैं तो हमारा कोई नहीं होता है, लेकिन जब हम सनात होते हैं तो प्रभु की परम आशीर्वाद मिल जाती है। जो कदाची मोहे बारी तारा के साथ में बातचीत करते हुए कहा वाली ने, जो कदाची मोहे अभी तो ना तू, लेकिन उस समय जो मारेंगे ना तो हम सना हो गए। ऐसे सब देवताओं को सना से कर दिया। जय हरण धरणी जय हरण धरणी महिमा अमित जय रावण उस पर कृपा करने वाले आपकी जय हो प्रभु। ऐसा देवराज इंद्र ने बहुत ही सुंदर रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि गंधर्व और आपने देवताओं और जितने भी सब हैं जीव जंतु सबको आपने कृतार्थ कर दिया प्रभु। आप सब पक्षी आदि जितने सिद्ध मनुष्य तथा नाग को सब को आपने बहुत बहुत सुख दिया है परमात्मा, आपके चरणों को प्रणाम। बस यही आज की कथा का हमारा यहाँ तक पहुँच है। समय के आधार पर पुनः एक बार माधवी पिंड जी के लिए, समस्त जितने भी हमारे रोग से पीड़ित लोगों के लिए मैं विनती करता हूँ। हमारे रेडियो रिश्ते के हर एक जितने भी हमारे लोग हैं सबको यही संदेश कि हम सब मिलकर के ही प्रार्थना करेंगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए भैया, बड़ा सुंदर गीत भी है। हम जीते हैं अपने लिए तो क्या जिए तो जमाने के लिए। आइए कैमरा हाथ
हम कागज करेंगे मास्टर जी के प्रति। Yeah।
सदा चली आई प्राण जाए पर याद रखे सब कोई कभी कोई अधूरा चीज को पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो मास्टर जी आए और सब कुछ अनुकूल हो गया, इसलिए मास्टर जी के लिए ये कीर्तन हमने आज आपको आपके लिए मास्टर जी के द्वारा ये कीर्तन। हमारे बीच में कलाकार आते रहते हैं, अभी रवीर भैया भी तैयार हुए। देखे अगले हफ्ता हम कराका से आ रहे हैं, वहां से स्टूडियो से आ रहे हैं। उसके आने वाला जो सप्ताह होगा 17 तारीख, मेरे ख्याल में 17 तारीख जो मंगल पड़ेगा वो हम यहाँ नहीं होंगे, हम रवीन भैया के घर पर, प्रियता बेटी के घर पर, वहां से प्रसारण करेंगे अपनी कार्यक्रम। तो मुझे पूर्ण विश्वास तब तक ये तैयार हो जाएंगे इनके घर पर। रूल ये बनाएंगे हम, लो ये बनाएंगे कि जिसके घर पर हो उसका काम है एक एक कीर्तन लाइव हमारे बीच में ऑडियंस के पास रखें। क्या बात, क्या बात। आज के लिए सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम अपने हाथों को जोड़ करके सभी को चले परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। परमात्मा पुनः एक बार जो आपने 2022 की जो भी कुछ सुख देख दिया है, क्योंकि वो तो हम सबको पता है कि दुख सुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छांव, ऊपर वाला पासा लेके नीचे लगते दाम, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप। क्या खुशियां क्या गम के सब मिल के बारी बारी, क्या खुशियां क्या गम के सब मिल वारी बारी। मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ गए अजब समय के दाम, कभी धूप कभी छांव। बस यही दे तो भी धन्यवाद और दुख दे तो भी हे प्रभु धन्यवाद। जो दिया बहुत दिया परमात्मा, इस साल भी आप भरपूर दे सभी के लिए, यही प्रार्थना रेडियो रिश्ते के साप्ताहिक कार्यक्रम के माध्यम से। पुनः एक सब सबको एक बार जय श्री सीताराम बोलते हुए चले, हम सब हाथ जोड़ ले, सब बोलेंगे ओ स्वस्ति प्रजाभ्याः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गे मही महिष गोरामणभ्यो शुभमस्तु नित्यम्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् युतभाग्य भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब बोले बोलो ॐ नमः शिवाय नमः।
बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू शमी, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जितने जितने लोग जन्मदिन मना रहे हैं आज अपना, यहाँ के घर के मालिक इनके साथ साथ आप सबका अभी शुभ दिन हो, मंगलमय हो, सदा कल्याण करे परमात्मा और हैप्पी बर्थडे सबके लिए। आइए हम लोग आज के कार्यक्रम को यहाँ पर विराम कर रहे हैं। जय श्री सीताराम, सबको मिलेंगे अगले सप्ताह शिव कथा के अंतर्गत। हम कराका ओकलैंड न्यूजीलैंड से आपके बीच में आएंगे। धन्यवाद।